हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरह की व्रत की रेसिपी, मीठा और नमकीन। दोनों की रेसिपी आपको एक ही रेसिपी में मिलेगी, तो बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ऑयल को कर लिया अच्छे से गरम और साबुदाने को 3-4 घंटे भिगो दिया है और उसका पानी इस तरह से निकाल देंगे कपड़े पे आधा घंटा पहले फ्राई, थोड़ा सा फैला देंगे पंखे के नीचे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। तेल पूरा गर्म होना चाहिए, अगर लो में डालोगे तो ये इतने अच्छे से नहीं फूलेंगे। हाई फ्लेम करके तभी इसको पकाना है और पका डालने के बाद थोड़ा सा मीडियम कर दे गैस को और फिर इसको पकाए। इस तरह से पकने के बाद अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। अगर डालते ही लगाओगे कड़छी तो वह उस पर चिपक जाएंगे। थोड़ा सा पक जाए ना उसके बाद इनको हिलाना है। हिलाते हुए उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से इसको क्रिस्पी होने तक सेकना है। बिल्कुल आराम से सेके, अगर जल्दबाजी करी तो वह कच्चे रह जाएंगे और फिर वो दांतों में चिपकेंगे। अभी अलग अलग हो गए, इनको अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। एक निकाल के देख ली हाथों में प्रेस करके, अगर वो पाउडर बन रहा आसानी से तो ठीक है, नहीं तो 1-2 सेकंड और उसको फ्राई कर ले। ये पक गए हैं अच्छे से, चाहो तो इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब दूसरे बैच को भी इसी तरह से डालेंगे, गैस के फ्लेम को रखेंगे फुल और थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। अगर एक साथ भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर इसको पकने देंगे, जब ये नीचे से क्रिस्पी हो जाएंगे तब पलटेंगे, क्योंकि अभी इसमें कड़छी लगा दी ना तो वो चिपक सकते हैं। ये मैंने सारे डाल दिए एक साथ। कढ़ाई को इस तरह से हिला दे, अभी कड़छी नहीं लगानी है, बिल्कुल आराम से सिकने दे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अभी नीचे से सिक गए तो मैंने इसको इस तरह से पलट दिया है। अभी ये कड़छी पे भी नहीं चिपके हैं, जहाँ बीच से थोड़ा सा रह गया वहाँ से चिपकेंगे। तो थोड़ी देर इसको सिकने दे, उसके बाद ही कड़छी से इसको उल्टेंगे, उल्टे पलट करेंगे और थोड़ा सा छुड़ा देंगे जो ये चिपक गए आपस में। आराम से छुट जाते हैं, कोई ऐसी वो बात नहीं कि नहीं, और रेसिपी बहुत परफेक्ट बनेगी बिल्कुल। अब ये थोड़ा पक गए तो अब इस तरह से इसको अलग अलग कर देंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। थोड़ा टाइम लगता है साबुदाने को सिकने में। जो चिपक गया उसको छुड़ा दे, उसी में डाल दे क्योंकि वो फिर फूल जाएगा उसमें जाके। इस तरह से अलग कर दे थोड़ा सा ताकि जल्दी पक जाए। अगर किसी भी वीडियो में कोई भी आपको पूछना है या कुछ बात है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है, प्लीज़ कमेंट किया करें और एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। इतनी मेहनत लगती है बनाने में, आपके कमेंट्स और लाइक से सपोर्ट मिलता है थोड़ा। अच्छे से इसको पका लेंगे इस तरह से। जब ये कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा, जब निकालूंगी ये देखो इसका कलर चेंज होने लग गया है। अब इसको निकाल लेते हैं जारे में, इस तरह के जारे में निकाले ताकि सारा ऑयल इसका नीचे निकल जाए। वैसे फुल गैस पे जब पकाते तो इसमें ऑयल नहीं भरता है, अगर लो पे पकाएंगे ना तो ऑयल भर जाता है। अब पैन में लेंगे थोड़ी सी देसी खांड ली है मैंने, ये आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा डालूंगी घी, 1 चम्मच देसी घी लिया क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं, देसी घी ही लेना इसमें मेल्ट करने के लिए, और किसी घी में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। थोड़ा सा इसके साथ इसको मेल्ट करेंगे, आप गुड़ भी ले सकते हैं इसकी जगह, खांड की जगह। ये वो मेल्ट होने लग गया, थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लग गया है। इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद इसमें 1 चम्मच मलाई डालेंगे। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं जो केक में यूज़ करते हैं। अगर क्रीम भी नहीं डालना चाहते तो बटर डाल सकते हैं।
अब जो हमने ये फ्राई करके रखे थे साबूदाना वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि सब पे कोटिंग आ जाए मीठे की। बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से बनाने में, एक बार ज़रूर ट्राई करना और बनाने के बाद अपने कमेंट ज़रूर शेयर करना कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। बस ध्यान साबूदाने में इतना ही रखना होता कि उसको अच्छे से पकाना होता है, जब तक वो बिल्कुल ऐसे क्रिस्प ना हो जाए ना, ऐसे दोनों उंगली और अंगूठे के बीच में जब उसका दबाते हैं तो बिल्कुल उसका पाउडर बन जाता है। यही एक पहचान है साबूदाने के अच्छे से पकने की। तो ये बहुत अच्छे से इस पे पूरे में कोटिंग हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे, बहुत जल्दी इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है पूरी शुगर। ये तैयार हो गई है। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद आप इसको एयर टाइट डिब्बे में रखें और पूरे 9-10 दिन तक आराम से खा सकते हैं। ये रेसिपी हो गई तैयार, अब अगली रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी मट्ठी बना के तैयार करेंगे। उसके लिए लेंगे सिंघाड़े का आटा। ये लिया है सिंघाड़े का आटा, आप चाहो तो इसमें आधा कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं या समा के चावल का आटा भी ले सकते हैं। नमक व्रत वाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, कसूरी मेथी। अगर इनमें से आप कोई भी चीज़ नहीं खाते तो वो स्किप कर सकते हैं, नमक तो थोड़ा डालना ही पड़ेगा। इसमें 2 चम्मच मैंने घी डाला था, वो दिखा नहीं, 2 चम्मच घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद थोड़े से पानी के साथ इसका डो लगाए। नॉर्मल पानी लिया है। इस तरह से हाथ से मैश करते हुए इसको मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जाए और गूंथते जाए। ज़्यादा पानी एक साथ ना डालें क्योंकि फिर ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो ज़्यादा पतला भी नहीं करना हमने और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। सिंघाड़े का आटा थोड़ा सा बाजरे के आटे की तरह हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से हाथों से रगड़ के इसको सॉफ्ट कर लें और घी ज़रूर डालना है 2 चम्मच, तभी वो बढ़िया से क्रिस्पी बनेंगे आपकी मट्ठी। अगर आप इसको और भी मिलाना चाहते हैं, जैसे आलू ले लिया, आलू भी मैश करके ले सकते हैं और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी ले सकते हैं। अगर हरी मिर्च खाते हैं तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर अगर लंबे समय के लिए रखनी है तो आप इसी तरह से बनाएं। अगर जल्दी से खानी है तो फिर आप उसमें वो सब भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। ये लिया है थोड़ा सा घी, घी डाल के इसको एक बार थोड़ा सा और गूंदेंगे ताकि घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। बढ़िया तरीके से मिक्स करके रख देंगे ताकि जब हम इसके छोटे छोटे पेड़े दौड़े तो हाथों पे ना चिपके। इस तरह से बना के रख ले व्रत में एक बार, मीठा और नमकीन दोनों, पूरा 9 दिन तक चलेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब तैयार हो गया आटा, इसको रख देंगे। इस तरह से छोटे छोटे पेड़े लेंगे और हथेली में इस तरह से दबा देंगे, इसमें कोई चकला बेलन की ज़रूरत ही नहीं है, हाथों से ही बन जाती हैं। और थोड़ा से क्रैक आते हैं इसमें बाजरे के आटे की तरह, तो कोई टेंशन ना ले। अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा आटा भी लगा सकते हैं या थोड़ा सा घी लगा लें और सारे पीस इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। इसको बाद में कर लेंगे, तब तक इसको फ्राई कर लेते हैं। ये मेरी वीडियो आपको दिखी नहीं क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई। मीडियम गर्म ऑयल में ही डालने हैं और लो फ्लेम पे इसको क्रिस्पी होने तक सेकना उलटते पलटते हुए। इसके लिए सॉरी मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखा पाई, पर आराम से तला जाता है, इसमें कोई टेंशन नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं आती तलने में। बस लो फ्लेम पर उलटते पलटते हुए इसको फ्राई करना है। इसके लिए एक बार फिर से सॉरी। सारी हो गई हैं तैयार, इनको निकाल लेते हैं और तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं, क्रिस्पी बनती हैं, इस तरह से तोड़ने से आराम से टूट जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं मट्ठी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बढ़िया सी रेसिपी में, जब तक के लिए बाय।